वेलकम ऑल, दिस इज चाणक्य अकेडमी एंड माय नेम इज मनोज कपाटे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सर्कुलर मोशन। सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? व्हेन द पार्टिकल रिवॉल्व अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सच मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एज पर बोर थ्योरी। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलेट होते हैं इन ए सर्कुलर मोशन एज पर बोर थ्योरी। सिमिलर आज अगर मान लीजिए आप किसी स्टोन को, किसी पत्थर को अगर आप एक धागा बांधते हो और उसे घुमाते हो कुछ इस तरह, तो उस स्टोन का जो मोशन है उसे भी हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। इस एग्जांपल को थोड़ा एनलार्ज स्केल पर हम डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं प्लैनेट्स आर मूव अबाउट द सन। जो प्लैनेट्स है वो सन के अबाउट क्या हो रहे हैं, इन सर्कुलर मोशन में मूव हो रहे हैं। एज वेल एज बहुत सारे जो मैन मेड सैटेलाइट है वो भी सर्कुलर मोशन में मूव होते हैं अबाउट द अर्थ। सो सच अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन। कुछ और पॉइंट हम सर्कुलर मोशन के डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज इंडिकेट बाय थीटा। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस फैक्टर इन ए गिवन टाइम एट द सेंटर ऑफ सर्कल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है बट इन टर्म्स ऑफ एंगल है। देखिए, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, बट यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कैसे मूव हो रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ एंगल, लाइक दिस। सपोज इन दिस फिगर, ए इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी ज़ीरो, बी इज द फाइनल पोजिशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। अगर पार्टिकल इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट की तरफ मूव होता है तो हम कहेंगे उसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया है, तो हम कहेंगे उससे थीटा एंगल जो है उससे उसने डिस्क्राइब किया है। ओके, किसने? तो इस रेडियस वेक्टर ने। सपोज दिस इज द रेडियस वेक्टर ऑफ दिस सर्कल आर विच इज डिनोटेड बाय आर। तो एज वी नो दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द थीटा? यस, थीटा इज नथिंग बट दिस आर्क एस टू द रेशियो ऑफ आर्क एस टू रेडियस आर। जी हाँ, हम थीटा कैसे फाइंड करते हैं? तो दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइड बाय आर रेडियस वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय थीटा इन रेडियन। ओके, सो थीटा इज नथिंग बट आर्क लेंथ। व्हाट इज आर्क लेंथ? आर्क लेंथ एस and radius which is denoted by r. So by simplification this relation s is equal to theta into r. The angular displacement जो है वो हम generally right hand thumb rule से the direction of angular displacement हम indicate कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल देखिए, ये राइट हैंड है, अगर उसके जो फिंगर्स हैं हम इस तरह से कर्व करते हैं, सो दिस थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा, जो ये स्मॉल लेटर्स ऑफ डब्ल्यू है, इस तरह से इस लेटर को कहते हैं ओमेगा। सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? पहले हम लीनियर वेलोसिटी समझते हैं। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कौन सी है? एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज इन दिस फिगर जो पार्टिकल ए है एट टाइम टी जीरो, दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल ए। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल मूव ए टू बी। सो ए से बी, बी इज द फाइनल पोजिशन ऑफ पार्टिकल ए। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हुई? सो ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी थीटा बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या है? तो उसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया है, उसने कितना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है, और कितने समय में? तो एक टी टाइम में, इस स्मॉल क्वांटिटी टी टाइम में। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट वैल्यू, इसका मतलब क्या कि डेल्टा टी इज टेंस टू जीरो, इट मीन्स टाइम इज ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज देर इज नो टाइम, इट मीन्स देर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी में टाइम भी वहाँ पर स्पेंड होगा। ओके, सो दिस इक्वेशन अगेन रीराइट, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। सो फाइनली वी विल गेट ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन पर सेकेंड। रेडियन थीटा, थीटा हमें पता है, थीटा क्या है? तो थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन टाइम, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ विच इज इंडिकेट, आर्क लेंथ हम फाइंड करते हैं मीटर में, और जो रेडियस है वो भी हम मीटर में ही लिखते हैं। सो मीटर मीटर गेट कैंसल दे। तो यहाँ पर थीटा जो है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन है, ठीक है? सो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। सिमिलर एज एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज इंडिकेट बाय अल्फा। सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पर देखिए, ये ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, एंड फाइनली वी विल गेट अल्फा इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो इस केस में, इन दिस केस देखिए, यहाँ पर सपोज पार्टिकल इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज अगर मूव हो रहा है, तो ए टू बी उसने क्या किया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस ओमेगा इज इंडिकेट बाय डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ आर सेम।
दिस इज स्मॉल दिस इज वेरी स्मॉल होमवर्क फॉर यू. विच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन वी आर ऑब्जर्व इन सर्कुलर मोशन. इस सवाल का जो हम प्रॉपर आंसर है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो तब तक के लिए ये आपको एक छोटा सा होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए. एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग.